जिस स्थान पर मंदिर है ये टापू जैसा है, इसमें जो है सतयुग में ऋषि मुनि लोग तपस्या किया करते थे, ठीक है। बाकी जो तुमको खाई जैसी दिख रही है पूरी, इसमें बस्ती है, तो इसमें जो है ये पूरा तालाब था। वो नीचे का गांव है मेरा मायका, और चारों ओर पहाड़ी से छुपा हुआ। मैं हाय का दजरा में दगड़िया है वे जोर खोर में आ के बाद ना को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार। मेरे YouTube चैनल पुष्पा दोसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं माँ भ्रामरी के मंदिर से। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ऊँचे पर्वती पर रानी माने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता दी कहते जाओ आने जाने वालो, बढ़ते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव की छाली। हो मस्ती हवाओं का एक झोंका, ये संदेश आया है। चलो शांति रानी का प्रस्ताव ले ले।
माता के दरबार में लगी है भक्तों की ओम हरि ओम नारायण दिव्य नमो नमः नमो देवाय नमो नमः नमः शिवाय शिव शंकराय हरि महेश्वराय। यहाँ पर से माता रानी की बभूति, इस भभूति में बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही शक्ति होती है। कभी भी काजल को वहाँ पे कोचिंग के दौरान डर लगेगी या कभी कुछ भी मन में अशांति होगी या कुछ भी होगा तो सब ठीक हो जाता है। मंदिर की सत्यता पे आधारित कहानी का ऐसा है कि जैसे जिस स्थान पर मंदिर है ये टापू जैसा है, इसमें जो है सतयुग में ऋषि मुनि लोग तपस्या किया करते थे, ठीक है। बाकी जो तुमको खाई जैसी दिख रही है पूरी इसमें बचती है, तो इसमें जो है ये पूरा तालाब था। तो अरुण नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसने ब्रह्मा जी से वर लिया कि चार हाथ पैरों से दो हाथ पैरों से मेरा वध न हो। वो बेफिक्र हो गया क्योंकि चार हाथ पैर और दो हाथ पैर होते हैं ना, तो बेफिक्र हो गया। बेफिक्र हो गया उसने जो ऋषि मुनि लोग जो यहाँ इस स्थान पर तपस्या क्या करते थे मंदिर के परिसर में, तो उसने जो है उनको बहुत दुखी कर दिया। जब वो अति दुखी हो गए ऋषि मुनि लोग, तो उन्होंने जो है माता आदिशक्ति जगदम्बा भगवती की आराधना करी कि हे माता, ये दुष्ट से हमारी रक्षा करें। तो माता जी स्वयं शेर में सवार होकर इस स्थान पर प्रकट हुई जहाँ पर पहले से बलि होती थी, जिसको अभी वर्तमान में भगला भी होते हैं। तो इस स्थान पर माता जी स्वयं प्रकट होकर असंख्य घोड़े निकले, बैठना घोड़ा छह पंच वाला होता है, तो असंख्य नाम रूपा धारण करके उस महाअश्व का जो है इस स्थान पर वध किया गया। और इसलिए जो है ये जो है ब्राह्मी नाम से विख्यात हुई। यहाँ जो है इस मंदिर में जो है बहुत खुश भगत लोग आते हैं और भक्तगण जो है जो भी यहाँ मन्नत मांगता है, जो भी आते हैं सदा लोग उनकी मन्नत माता जी करती है। कोई जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है कोई व्यक्ति चलाता है, जिसकी जो इच्छा हो जिसको जो अच्छा लगे उस हिसाब से माता जी को अपने जो है पेट और क्या नाम कहते हैं पूजा पाठ अर्पित करते हैं। तो आप लोगों ने सुनी पंडित जी से माँ भ्रामरी की कथा। माता के दरबार बिल्कुल घंटों से मन्नत से भर चुका है, तो आप समझिए कि उस माता की कृपा कितनी ही होगी अपने भक्तों पे। जय माँ, सबका कल्याण करना माँ, सबका कल्याण करना मेरी माँ। आज मेरे भानु का जन्मवार है,
और हमारी पूजा हो गई है। और मैं हमेशा जब से भानु हुआ मंदिर में ही उसका जन्म बार मनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत शांति मिलती है और माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो अब मैं दिखाती हूँ कोट भ्रामरी माँ के मंदिर से चारों ओर का व्यू, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो वो नीचे का गांव है मेरा मायका और चारों ओर पहाड़ी से छुपा हुआ, और चारों ओर का व्यू देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। अभी थोड़ी देर मम्मी से मिलने आ गए हैं मैं, काजल और भानु। अब मम्मी बना रही है हमारे लिए खाना, क्योंकि मंदिर गए थे तो खाना खा के नहीं गए थे। मम्मी बना रही है चावल पनीर। अब जा रही हूँ घर को थोड़ी देर मम्मी से मिल के। तो मेरी मम्मी मम्मी हाय कर दे जरा, मैं दगड़ गया हवे जोर खोर में आए के बाद ना हाय मिसाज भी लग रहा है, जाने को मन भी नहीं कर रहा है। वो मम्मी देने लगी है सगुन कन्नु को, पहाड़ों में सगुन देते हैं जब कोई आता है तो। और मम्मी ने मुझे भी दे दिया है सगुन। थैंक यू मम्मी, मना नहीं करूंगी अपनी मम्मी से। चल पर अब जन बाय। हाँ तो अभी पहुंच गई हूँ मैं घर, अब यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ।